हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली डाइट के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं डीएलएड और डीपीएससी कोर्स के लिए। जी हां, एससीईआरटी दिल्ली डाइट के एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गए हैं। आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी फ़ीस लगभग 250 रुपये की है, और फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने डाइट का प्रेफरेंस सेट करना होगा। बात अगर करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 3 अगस्त से लेकर, जी हाँ 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। 11 और 12 अगस्त को आप फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हर एक फील्ड में आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें कि आपको करेक्शन की ज़रूरत पड़े। इसके बाद 14 अगस्त को आपकी रैंक आएगी, यानी कि जो डिटेल आपने फिल करी है, जो कैटेगरी, जो मार्क्स आपने एंटर किए हैं फॉर्म में, उसके बेस पर क्या रैंक आपको अलॉट हुई है। एंड देन फिर आपका एडमिशन लिस्ट आएगी, उसके अब सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। 17 अगस्त को आई थिंक पहली लिस्ट आएगी, या आपके सामने शेड्यूल भी दिख रहा होगा, और फिर 17 से 19 अगस्त तक आप इस लिस्ट में एडमिशन ले सकते हो। जिसको भी सीट अलॉट होती है, उसको पार्ट अकेडमिक फ़ीस 1800 रुपये की ऑनलाइन पे करनी होती है। देन उसका प्रिंट आउट लेकर और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको रिस्पेक्टिव डाइट में जाना पड़ता है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। देन आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो तो उसको फ्रीज करो, अदरवाइज अपग्रेडेशन के लिए आप लोग जा सकते हो। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है लास्ट ईयर भी, और वो सारा सेम ही चलता है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस पढ़ें पहले अप्लाई करने से पहले, और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है, ठीक है। 30 सितंबर 2021 को आपकी मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी और एससीएसटी के लिए 5 साल तक का। बाकी जो दिल्ली रेजिडेंस होते हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व होती हैं, जिन्होंने क्वालिफिकेशन दिल्ली से पास आउट करी है, और अगर किसी ने क्वालिफिकेशन बाहर से पास आउट करी तो उनकी रेस्ट ऑफ 15% सीट्स में एडमिशन होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। दिल्ली डाइट के एडमिशन फॉर्म आ गए हैं, आप लोग फिल कर सकते हो ऑनलाइन। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो ये सारी अपडेट थी कि दिल्ली डाइट के एडमिशन फॉर्म आ गए हैं, आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हो सकता है वेबसाइट का सर्वर थोड़ा डाउन हो, तो कुछ टाइम के बाद ट्राई करिएगा, आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म में कोशिश करिएगा कुछ करेक्शन नहीं करनी। फॉर्म का स्टेप क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाती है, उससे लॉगिन करके आप फॉर्म फिल करोगे, अपनी बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल और कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल दोगे, देन पेमेंट करोगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद वाला जो स्टेप होता है वो होता है आपका प्रेफरेंस देने का। बहुत से बच्चे ये क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद छोड़ देते हैं कि हमारा फॉर्म अप्लाई हो गया। नहीं, पेमेंट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है आपके रिस्पेक्टिव डाइट का जो प्रेफरेंस है वो देना, यानी कि आप फर्स्ट नंबर पर कौन सा डाइट का प्रेफरेंस देना चाहते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दोगे तो आपका एडमिशन लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, चाहे आपका फर्स्ट रैंक भी क्यों ना आए, क्योंकि आपने डाइट का प्रेफरेंस ही नहीं दिया। तो प्रेफरेंस वाले ऑप्शन को बिल्कुल केयरफुली फिल करना है, और सारे स्टेप्स आपको केयरफुली फिल करना है कि कोई करेक्शन की नौबत नहीं है। तो यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी। थैंक यू।